नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी से मैं अंबरीश शुक्ल आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यूपी टेट 2013 के अंतर्गत जून में जो एक परीक्षा हुई थी उसका संस्कृत पेपर का सॉल्व मैं देने जा रहा हूं। यह व्याख्यात्मक होगा और इस पूरे वीडियो को आप लग कर देखिए, समझ कर देखिए और उससे कुछ न कुछ लाभ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको प्रश्नों की आइडिया लग जाती है कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्व इस्मिन् धुन्यानह कुलव्रतम पालिष्य यति कह। क्षीर शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर क्षीर शब्द का अर्थ है दूध। जो हंस होता है वो नीर और क्षीर का विवेक जानता है, दूध और पानी मिलाकर रख दो तो वो दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है, तो इसमें उसको कुल व्रत की शिक्षा दी गई है। प्रथम श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है, तो इसमें कवि ने हंस को संबोधित किया है। हंस के कुछ किस गुण का वर्णन किया गया है, तो हंस के जो गुण हैं वहाँ पर नीर क्षीर विवेक के गुण की बातचीत की गई है। हंस को क्या न करने का निर्देश दिया गया है, तो हंस को आलस्य न करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न 6 से 10 के प्रश्नों को बताइए। व्यति सजति पदार्थांतंतर को अपि हेतु न खलु बहिर्पाधिन्न प्रीन तयः संश्रयन्ते विकसति ही पतंगे स्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिम रस्मा उदगते चंद्रकांतः। अब जो 6 से 10 तक प्रश्न इसमें सॉल्व करना है, पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है, छठवां नंबर है कि पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है, तो इसमें कोई अज्ञात आंतरिक कारण जोड़ता है। बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता, तो प्रेम जो होता है वो बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं होता। कमल कब खिलता है, तो कमल जो खिलता है वो सूर्योदय होने पर खिलता है। इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख किया गया है, तो वो चंद्रकांत मणि का। चंद्रकांत मणि कब पिघलती है, तो चंद्रकांत मणि जो है वो चंद्रोदय होने पर पिघलती है। फिर उसके बाद दिया गया है कि भवंति नामरस्त रवह फलोदगमयी है नर्वांबु भिर्दुर विलंबिनो घनाह अनुद्धताह सत्पुरुषाह समृद्ध भी स्वभाव एवैस परोपकाराणी परोपकारी राम। इसमें से प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने वृक्ष मेघ तथा तत्पुरुष को क्या कहा है, तो इसमें जो है परोपकारी कहा गया है कि वो सब परोपकारी होते हैं। भवंती में कौन सा अलंकार है, तो ये लकार है पूछा गया है, तो आपके यहाँ लकार भी पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भवंती है इसमें लकार आपका है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वृक्ष कब झुक जाते हैं, तो फल आने पर वो झुक जाते हैं। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है, वो घन और मेघ। समृद्ध के समय कौन अभिमान रहित होता है, तो इसमें जो होगा वो होगा बी सत्पुरुष जो हैं। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर 20 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है।
पांडवानां कौरवाणां च युद्धं कुरुक्षेत्रे संवृत्तम् अष्टादशी भिर्दिनैश्च प्रतिफलितं तस्मिन् युद्धे दुर्योधनहरणे पराजितः निहतश्च निजदलबलेन साकं पाण्डवाश्च श्रीकृष्णस्य साहाय्येन विजयशालिनीं संवृत्ताः। कालान्तरेण द्रौपदीसंहिता पाण्डवाः अभिमन्युर्तनयः तनयं परीक्षितं हस्तिनापुरराज्ये संभिषिच्य हिमालयं जग्मुः। अब इसके आधार पर 16 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है कि युद्ध पांडवों की सहायता से किसने किया, किसने की, तो वो कृष्ण ने किया था। कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए, तो ये भी इस तरह का उसी से संबंधित प्रश्न है। तो 17 का इसमें जो होगा वो सी होगा, कुरुक्षेत्र में गए, सॉरी हिमालय पर गए। 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न है कि पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था कुरुक्षेत्र में। अब इसके बाद यहाँ महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये आप लोग सब जानते हैं 18 दिन तक चला था। युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो यह भी आप सब जानते ही हैं, और वो दुर्योधन हुए थे। तो यह मान लीजिए यहाँ पर तो सही दिया है, लेकिन आप पैसेज के अनुसार अगर प्रश्नों को सॉल्व करिए तो पैसेज के अनुसार भी सॉल्व करना चाहिए, अपने से दिमाग नहीं लगाना चाहिए, भले वो तथ्य गलत ही क्यों ना दिया हो। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर फिर उत्तर देना है। प्रयाग गंगा यमुनोः संगमे स्थित अस्ति, अत्र ब्राह्मणा प्राकृष्ट करणायात अस्य प्रयाग नाम अभवत्। प्रयाग नगर पुराणेषु पवित्रतम पवित्रतम पुण्यदम मोक्षद कीर्तितम इदम नगरम भारतवर्षे प्रमुख नगरेषु वर्तते। प्रयागस्य अपरं नाम इलाहाबाद इत्यादि वर्तते। इदं कथ्यते यत् प्रयागस्य इलाहाबाद नाम अकबर नाम सम्राट स्वइलाही धर्मानुसारेण कृतवान्। प्रयागे उत्तर प्रदेश से उच्च न्यायालये अपि स्थिता अस्ति। प्रयागे उच्च शिक्षाया प्रधान केन्द्रमस्ति। इदं नगरम ऐतिहासिक महत्वमपि अधिकरोति। तो गंगा यमुना का संगम है, तो गंगा यमुना का संगम है यह भी प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो वैसे तो आप जानते ही हैं वो कहाँ पर है, वो प्रयाग में है। प्रयाग शब्द का अर्थ है, तो प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है, प्रकृष्ट याग। प्रयाग का दूसरा नाम क्या है, तो वो है इलाहाबाद। सम्राट अकबर ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो वो इलाही धर्म का किए थे। प्रस्तुत गद्यांश में समुचित शीर्षक है, तो शीर्षक भी आपसे पूछ सकता है, तो इसमें प्रयाग भी इसका शीर्षक होगा। इसके बाद फिर एक और दिया हुआ है गद्यांश, जनतंत्राभिधान शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। राजनयश्चास्त्रस्य विद्वद्भिः राजतंत्रं कुलीनतंत्रं प्रजातंत्रमिति शासन प्रणाल्यो शास्त्रो भेदा प्रतिपादितः। राजतंत्रं राज्ञः शासनं कुलीनतंत्रं कुलीनानां विशिष्ट जनानां शासनं जनतंत्रं जनानां शासनमिति तैराधुनिकैः व्याख्यातम। जनतंत्रे राज्य स्थानम जना गृहन्ति कर्तव्य बोध एवं जनतंत्रस्य मूलधारा यस्मिन् कस्मिन् वा कार्ये नियुक्ताः कर्तव्य संपदा संपदा दन समुक्तुत्सुकाः सततम् राष्ट्र विकासे निरताः विहित साध्यम साध्यो अशान्ताः अश्रान्ताः श्रमशीला देववासिनो नागरिका एव स्वराष्ट्र मुन्नेतुम् क्षमन्ते इति जनतंत्र पद्धत्याः महद्वैशिष्ट्यम्। अब इसमें जो प्रश्नोत्तर इसके बनेंगे, वो सबसे पहला जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है, तो वो है वो जनता। जनतंत्र का मूलाधार क्या है, तो वो है आपका कर्तव्य बोध। हमारे देश में कौन सा शासन प्रणाली प्रचलित है, तो ये प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो जनतंत्र है। राजनीति ने शासन प्रणाली के मुख्य कितने भेद बताए हैं, तो राजनीतिज्ञों ने कितने बताए हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी के आधार पर वो 3 बताए हैं। राजतंत्र में किसका शासन होता है, तो राजतंत्र में जो शासन होता है वो राजा का होता है। तो
तो ये तो थे आपके 30 प्रश्न संस्कृत के। इसी तरीके से सारे विषय के प्रश्न पत्रों को मैं सॉल्व करवाऊंगा और आपको जवाब तक पहुंचाऊंगा और बताता रहूंगा कि किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। पूरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ज़्यादातर कक्षाओं को भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। आप लोग तैयारी करते रहें और हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट थोड़ी सी बढ़ जाए, वो नवंबर में जा सकती है। तब तक के लिए मित्रों, आप सबको सहृदय धन्यवाद, नमस्कार।